हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट मंत्रा दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लैंग्वेजेस लाइक रेगुलर लैंग्वेज कंटेक्स फ्री लैंग्वेज डिटर्मिनेस्ट्री कंटेक्स फ्री लैंग्वेज सेंसिटिव लैंग्वेज रिकर्सिव रिकर्सिवली लैंग्वेज और देखिए उन पर क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं कौन कौन क्लोज है ये सारा हम इस टेबल के अंदर डिस्कस करेंगे और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे देखिएगा मैंने ये कुछ क्लोजर प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं सम ऑफ इंपॉर्टेंट क्लोजर प्रॉपर्टीज ये टिक का मतलब क्या है क्लोज और क्रॉस का मतलब क्या है नॉट क्लोज ये कुछ ऑपरेशन लिख रखे हैं यूनियन इंटरसेक्शन सेट डिफरेंस कॉम्प्लीमेंटेशन इंटरसेक्शन विद रेगुलर कॉनशन क्लीन स्टार क्लीन प्लस रिवर्सल फ्री होमोम इनवर्स होमोमोर्फिजीट्यूशन एफ फ्री सब्सटीट्यूशन एंड क्वेश्चन लैंग्वेज देखिए रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड ये टिक लगा हुआ है सभी जगह रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर ऑल ऑपरेशन भी दो रेगुलर लैंग्वेज में से कोई भी ऑपरेशन आप करेंगे तो रिजल्ट रेगुलर ही आएगा तो रेगुलर लैंग्वेज इज अंडर ऑल ऑपरेशन एंड CFL की बात करूं तो CFL देखिए कहां यूनियन इंटरसेक्शन विथ रेगुलर इंटरसेक्शन विथ रेगुलर का मतलब के साथ इंटरसेक्शन किया तो रिजल्ट क्या आएगा सीएफएल आएगा टू सी का एल काटनेशन भी क्या है सी है तो ये क्रॉस का मतलब क्या है सी इन ऑपरेशन पर क्लोज नहीं है टू सी का इंटरसेक्शन सी नहीं होगा गारंटी से हो सकता है नहीं भी हो सकता है नॉट क्लोज है यूनियन इंटरसेक्शन सेट डिफरेंस और जो क्लोज है कॉम्प्लीमेंटेशन इंटरसेक्शन विथ रेगुलर लैंग्वेज और इनवर्ट होम ऑर्फिन क्लोज है सी एस एल के अंदर सारे क्लोज हैं एक्सेप्ट होमोमार्फिजिम सब्सिट्यूशन और क्वेश्चन विद रेगुलर लैंग्वेज इसमें ये क्लोज नहीं है ये रिकर्सिव लैंग्वेज है रिकर्सिव लैंग्वेज का सी एस एल की तरह ही है रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज सेट डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्लोज नहीं है बाकी के सारे ऑपरेशन के अंदर क्लोज है ये सम ऑफ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जिसमें बेस्ड कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए तो क्रॉस का मतलब नॉट क्लोज है यस yes का मतलब है क्लोज है यहाँ क्लोज का मतलब है कि आपने जो ऑपरेशन टू सी को लिया या टू रेगुलर को लिया ऑपरेशन किया तो रिजल्ट वही आ जाए जैसे टू रेगुलर का यूनियन क्या है रेगुलर ही है इट इज क्लोज टू सी का यूनियन क्या है सी है टू डी सी का यूनियन क्या है नॉट क्लोज क्रॉस का मतलब नॉट क्लोज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है सी एस एल ये क्लोज है रिकर्सिव क्लोज है टू रिकर्सिव का यूनियन क्या होगा रिकर्सिवली रिकर्सिबलीबल तो इस तरह से इस टेबल को आपको समझना है

रहा इंटरसेक्शन क्शन विर डीसी डीसीएफएल के साथ रेगुलर का ऑपरेशन क्या होता है डीसीएफल होता है तो यस yes, ये तो करेक्ट है ये स्टेटमेंट ट्रू है आपको पूछा क्या है फॉल्स नेक्स्ट देखिए मैं देखता हूं एलबन यूनियन एल टू विन रेगुलर है एल टू क्या है सी एफ एल यूनियन हाँ हम ये भी जानते हैं डी सी एफ एल सी एफ एल सी एस एल रिकर्सिव और रिकर्सिव इनबल लैंग्वेज सारी रेगुलर क्या है डीसीएफएल हैं सारी डी सी एफ एल क्या है सी एफ एल है तो अब आपसे पूछा गया है एलवन एल टू क्या है सी एफ एल ये आपको बताना है ये येलवन क्या है रेगुलर है रेगुलर है तो सारी रेगुलर क्या है फ्री लैंग्वेज हैं तो ये भी क्या है कंटेक्स फ्री है और टू कंटेक्स फ्री का यूनियन क्या है कंटेक्स फ्री है यूनियन ऑफ टू कंटेक्स क्या है इट इज ए फ्री लैंग्वेज तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है नाउ डी देखते हैं एलवन इंटरसेक्शन एल टू इंटरसेक्शन एल थ्रीबल तो एलवन इंटरसेक्शन एल टू तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये क्या गया? DCFL आ गया डीसीएफएल आ गया इंटरसेक्शन इंटरसेल है सारी के सारी डीसील क्या है ऑल आर रिकर्सिवली इन्यूमेरेबल लैंग्वेज सारे डीसीएफएल क्या है रिकर्सिव इन्यूमेरेबल लैंग्वेज है तो रिकर्सिव एनोरेबल और ये भी एल थ्री क्या है ये भी रिकर्सिव एनोरेबल है रिकर्सिव का इंटरसेक्शन क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू रिकर्सिवली रिकर्सिबलीबल यस इट इज क्लोज्ड रिजल्ट रिकर्सिव इनबल भी आएगा तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, आप बताना है तो L3 L1 आपको बताना है तो एल थ्री इंटरसेशन एल्बन रिकाना एल थ्रीबल बट नॉट रिकलबन इज रेगुलर लैंग्वेज और अगर एलबन रेगुलर है तो ये भी है, क्योंकि सारी रेगुलर क्या है ऑल रेगुलर लैंग्वेज रिकर्सिव इनबल का इंटरसेक्शन क्या होगा इट इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल रिकर्सिवली लैंग्वेज का इंटरसेक्शन तो अगर रिकर्सिव इन्यबल है तो उसको आप रिकर्सिव नहीं बोल सकते क्योंकि सारी की सारी रिकर्सिव इनबल रिकर्सिव नहीं है अगर रिकर्सिव होता तो आप उसे रिकर्सिव बोल सकते थे वो आंसर करेक्ट था लेकिन आंसर क्या है रिकर्सिव इन्यबल और यहाँ क्या लिखा है रिकर्सिव तो सारी रिकर्सिव recurs... सारी रिकर्सिव इन्यूवरेबल लैंग्वेज रिकर्सिव है ये गलत स्टेटमेंट है आप नहीं बता सकते तो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट तो आंसर इज बी नेक्स्ट देखिएगा एलवन रिकर्सिव है एल टू एल थ्री रिकर्सरेबल बट नॉट रिकर्सिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ने ट्रू आपको बताया गया है, है. तो एलवन तो रिकर्सिव है एलवन इसमें बिलोंग कर रहा है और एल टू एल थ्री रिकर्सरेबल है बट नॉट रेकर्सिव जो इसी इस, इस, इस लाइन में बिलोंग कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरली ट्रू आपको बताना है तो इसको देखिएगा इसको हम एल टू इंटरसेक्शन एल्वन का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं

इट इज रिकर्सिवली इनवेरिएबल तो ये वाला आपका ट्रू स्टेटमेंट है सेकंड देखिएगा एल टू कॉम्प्लीमेंट एल थ्री इज रिकर्सिव यस एल टू इज सी एफ अगर एल टू सी एफ एल है अगर ये सी एफ एल है तो सारी की सारी सी एफ एल क्या है रिकर्सिव लैंग्वेज ऑल सी एफ एल आर रिकर्सिव लैंग्वेज और इसका मतलब एल टू क्या है एल टू सी एफ एल है सी एफ एल मतलब रिकर्सिव है सारी सी क्या है रिकर्सिव एल रिकर्सिव है

और रेगुलर का क्लीन स्टार क्लीन क्लोजर क्लीन क्लोजर ऑफ रेगुलर लैंग्वेज यस इट इज क्लोज रिजल्ट क्या है रेगुलर ही है और सारी की सारी रेगुलर लैंग्वेज क्या है ऑल रेगुलर लैंग्वेज आर कंटेक्स फ्री लैंग्वेज या आप रेगुलर का कॉन्टेक्स फ्री के साथ इंटरसर निकालेंगे तो रिजल्ट क्या है सी एफ एल ये भी आपका आंसर ट्रू है फोर्थ देखिएगा एलबन यूनियन एल टू का कॉम्प्लीमेंट इज सी एफ एल एलबन इज रेगुलर लैंग्वेज एल्बन क्या है इट इज ए रेगुलर लैंग्वेज और सारी रेगुलर है तो ये सी एफ एल भी है यून एल टू इज सी एफ एल सी एफ एल का कॉम्प्लीमेंट इज नॉट क्लोज समटाइम्स रेगुलर समटाइम्स कॉन्टेक्स फ्री हो सकता है नहीं भी हो सकता है तो आप ये कैसे कह सकते हैं जिससे सी एफ एल ये फॉल्स है आप नहीं बता सकते है. क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी एफ एल इज नॉट सी एफ एल इज नॉट क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी एफ एल सी एफ एल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो आप ये नहीं दे सकते कि ये रिजल्ट क्या सी एफ एल क्योंकि एल टू कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको नहीं पता सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट तो ट्रू आंसर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर ट्रू आंसर इज डी तो दोस्तों इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं स्टेबल की हेल्प से दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स और उनकी प्रॉब्लम्स दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद